दोस्तों, अंतरिक्ष में रॉकेट जाता कैसे है और अंतरिक्ष में जाने के बाद उस रॉकेट का क्या होता है? क्या वो वापस पृथ्वी पर आ गिरता है और ये रॉकेट ऊपर की तरफ सीधा ही क्यों जाता है? रॉकेट के अंदर ऐसा क्या होता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर ये रॉकेट होता क्या है। रॉकेट का मतलब एक तरह का इंजन होता है। इसका मतलब ऐसा यान भी होता है जो इस इंजन का इस्तेमाल करता है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली मिसाइल, अंतरिक्ष यान या किसी विमान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से उठाने के लिए और रॉकेट का इंजन जरूरी होता है। जेट इंजन की तुलना में रॉकेट का इंजन थोड़ा डिफरेंट होता है। जेट का इंजन वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर अपने काम को करता है, जबकि रॉकेट इंजन इसके विपरीत अपने साथ हर वह चीज लेकर चलता है जिन चीजों की उसे आवश्यकता होती है। रॉकेट इंजन इस केस में भी अपना कार्य करता है जहाँ पर हवा नहीं होती है। दोस्तों, रॉकेट के इंजन दो तरह के होते। कुछ इंजन तरल ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। इस स्पेस शटल और बैटर के मुख्य इंजन तरल ईंधन का उपयोग करते हैं। अन्य रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। इस स्पेस शटल के किनारे में दो सफेद ठोस रॉकेट बूस्टर्स होते हैं, वह भी ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आखिर रॉकेट का इंजन काम कैसे करता है? बेसिकली रॉकेट इंजन भी अन्य इंजनों की तरह काम करता है। वे ईंधन को जलाकर क्रस्ट पैदा करता है। क्रस्ट का मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो धक्का, यानी वे यान को आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है। ज्यादातर रॉकेट इंजन ईंधन को गर्म गैस में बदल देते हैं। ईंधन इस गैस को पीछे की ओर छोड़ता है जिससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। अंतरिक्ष में कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे धक्का देकर इंजन आगे बढ़े। ऐसे में यह सवाल उठता है कि फिर रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है? दोस्तों, रॉकेट न्यूटन की गति के थर्ड लॉ के आधार पर वर्क करता है। ये नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट का इंजन गैस को बाहर की ओर धक्का देता है। इस प्रक्रिया में गैस भी बराबर ताकत से आगे की ओर रॉकेट को धक्का देती है। इससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। क्या आपने देखा है कि अगर आप हवा को एक गुब्बारे से बाहर जाने दें तो क्या होता है? हवा एक तरफ आती है और गुब्बारा विपरीत दिशा में चलता है। रॉकेट उसी तरह से काम करते हैं। तेज गति से इंजन की नॉक से निकलने वाली निकास गैस से रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाती है। दोस्तों, अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है? अधिकांश जेट विमान 15 किलोमीटर या फिर 50,000 फीट से ऊपर नहीं उड़ते हैं, जहां उनको उनके इंजनों में ईंधन जलाने और उन्हें उड़ने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन ये अंतरिक्ष शुरुआत के आसपास कहीं नहीं है। अंतरिक्ष को आमतौर पर पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक मनमाना बिंदु जिसे कभी कभी कर्मन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी पड़ती है। इतनी स्पीड को हासिल करने के लिए रॉकेट बहुत ही तेजी से ईंधन जलाते हैं। एक अंतरिक्ष रॉकेट के अलग अलग भाग होते हैं, इंजन, ईंधन टैंक और कोई बाहरी रॉकेट बूस्टर। एक रॉकेट का सबसे बड़ा और यकीनन सबसे दिलचस्प हिस्सा रॉकेट का इंजन होता है। इंजन जो उसे आकाश में पहुंचाता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, रॉकेट जेट विमानों और पृथ्वी पर काम करने वाले अन्य ईंधन से चलने वाले वाहन से भिन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होती है। आधुनिक अंतरिक्ष रॉकेटों में एक तरल ईंधन जैसे तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित मुख्य इंजन होते हैं, जिन्हें विशाल टैंकों से पंप किया जाता है। ईंधन जिसे प्रोपेलेंट भी कहा जाता है और ऑक्सीजन जिसे ऑक्सीडाइजर कहा जाता है, वो कम तापमान और उच्च दबाव में संग्रहित किया जाता है। इसलिए इसे एक निश्चित आकार के टैंक में ले जाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि रॉकेट ईंधन की समान मात्रा पर आगे बढ़ता है। और बाहरी रॉकेट बूस्टर जो मुख्य रॉकेट इंजन की सहायता करते हैं, आमतौर पर इसके बजाय ठोस ईंधन को जलाते हैं। इस स्पेस शटल को ठोस रॉकेट बूस्टर या SRBX कहा जाता है। बिल्कुल इसी कारण से वे बड़े अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह अधिक काम करते हैं, जो ठोस ईंधन को भी जलाते हैं। रॉकेट की मार्गदर्शन के लिए कंप्यूटर आधारित नेविगेशन होता है। वह रॉकेट को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है और पायलट जो भी रॉकेट ले जा रहा है, इस स्पेसक्राफ्ट या उपग्रहों से लेकर अंतरिक्ष स्टेशन के हिस्सों यहाँ तक कि परमाणु वेयरहेड तक, आधुनिक अंतरिक्ष रॉकेट दो या तीन स्वतंत्र रॉकेटों की तरह काम करते हैं, जो एक साथ अटकते हैं, जिन्हें चरण कहा जाता है। हालांकि आमतौर पर केवल अंतिम चरण में रॉकेट के सभी महत्वपूर्ण पायलट शामिल होते हैं।
निचले चरण बदले में टूट जाते हैं, क्योंकि वे अपने ईंधन का उपयोग करते हैं और केवल ऊपरी चरण रॉकेट की अंतिम गंतव्य यानी कि जो उसका लक्ष्य है वहां तक पहुंचता है। कुछ रॉकेट स्पेस शटल और यूरोपियन एरियन रॉकेट के पूरे झुंड की तरह दिखते हैं, जिन्हें एक साथ स्ट्रैप्ड किया जाता है। बीच में एक मोटा जिसमें कुछ स्क्रीनियर होते हैं। बड़ा केंद्रीय रॉकेट मुख्य होता है। दोनों तरफ से पतले रॉकेट जिन्हें बूस्ट रॉकेट कहा जाता है, वे आतिशबाजी की तुलना में थोड़ा अधिक है, जो कि मुख्य रॉकेट इंजन को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए उसे ऊपर की ओर उठाने के लिए बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अधिकांश रॉकेट दो या तीन चरणों से बने होते हैं। जब एक चरण अपने सभी ईंधन का उपयोग कर लेता है तो उसे मेन रॉकेट से अलग कर दिया जाता है, जो भाग पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर भस्म हो जाता है या फिर पृथ्वी पर आ गिरता है। ये तब वापस गिरता है आमतौर पर समुद्र में और आबादी वाले क्षेत्रों से दूर या वायुमंडल में जल जाता है। ऐतिहासिक रूप से रॉकेट के अधिकांश हिस्सों को पृथ्वी पर वापस गिरने और वायुमंडल में जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन 1980 के दशक में नासा के स्पेस शटल के साथ शुरू होने के बाद इंजीनियरों ने रॉकेट के पुर्जों को डिजाइन किया, जिन्हें वापस ला करके उनका वापस से उपयोग किया जा सकता है। जितना अधिक एक रॉकेट के पुर्जों का पुनः उपयोग किया जा सकता है, उतना ही सस्ता रॉकेट लॉन्च हो सकता है और पैसों की बचत हो सकती है। दोस्तों, रॉकेट एकदम सीधा ऊपर जाता है, जबकि प्लेन ऊपर जाने के लिए अपने रनवे पर दौड़ लगाकर जाता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसका भी जवाब आपको ढूंढ कर दे देते हैं। दोस्तों, किसी भी विमान को ऊपर उठाने के लिए धक्के की जरूरत पड़ती है। एरोप्लेन पक्षियों और उड़ने वाले कीट के पंखों से जब हवा टकराती है तो इस हवा को पंखों से पीछे ठेल कर वे ऊपर उड़ते हैं। रॉकेट में पंख नहीं होते और इसीलिए उन्हें ऊपर उठने के लिए जरूरी धक्का उनके इंजन से ही मिलता है। प्लेन ज्यादा भारी होता है और उससे ऊपर उठने के लिए हवा को बहुत ही तेज गति से पीछे छोड़ना पड़ता है, इसलिए वे पहले रहने पर कुछ दूर चलकर पंखों से हवा को ठेलने जितना बल प्राप्त करता है। रॉकेट को जमीन पर दौड़ाने और फिर आसमान में धक्का देने के बजाय उसे सीधे हवा में उठा देने का काम इंजन आसानी से कर पाता है। रॉकेट और एयरप्लेन दोनों एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, दोनों गैस को पीछे छोड़ते हैं और उससे उन्हें आगे जाने का धक्का मिलता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई रॉकेट के जलने और अंतरिक्ष में जाने की बात। अब आखिर सबसे पहले रॉकेट का आविष्कार कब और कहां हुआ था? ऐसा माना जाता है कि 12वीं सदी के आसपास चीन में रॉकेटों का आविष्कार हुआ था। इन ठोस रॉकेटों को आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। युद्ध में सेनाओं द्वारा भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। 13वीं सदी में इन रॉकेटों का एशिया और यूरोप में ज्यादातर हिस्सों में आतिशबाजी और युद्ध में इस्तेमाल होने लगा। अगले 600 सालों में लोगों ने बड़े और बेहतर रॉकेटों को विकसित किया। इनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल सेनाओं द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।